जय श्री कृष्ण। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष स्थायी होता है। बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। युद्ध चलता ही रहता है और उसी प्रकार का युद्ध अर्जुन के बारे में चल रहा था, न केवल बाहर, न केवल रणांगण पर, अभी तो उसके मन में भी वो युद्ध चल रहा था कि करे तो क्या करे, और भगवान उसे कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे। और ये कहते हुए भगवान कह रहे थे कि सबसे पहले काम यदि कोई करना हो तो ये है कि अपने शत्रु को पहचानो। युद्ध में यदि विजय प्राप्त करनी हो तो अपने शत्रु के मर्मस्थल क्या है, अपने शत्रु के शक्ति स्थल क्या है। जब तक हम अपने शत्रु को नहीं पहचानते तब तक युद्ध में विजय प्राप्त करना असंभव है। आप सोचेंगे कि अर्जुन का शत्रु था कौन? क्या दुर्योधन शत्रु था, या दुशासन था, या फिर कर्ण जो कि महारथी था, या फिर द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, या फिर भीष्माचार्य जो स्वयं बड़े पराक्रमी थे और सेनापति थे। लेकिन भगवान इनमें से एक का भी नाम नहीं लेते। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिनम। तेरे सबसे बड़े वैरी यदि कोई है तो वो है काम एष क्रोध एष। तेरी कामनाएं और तेरा क्रोध, तेरा गुस्सा, ये सबसे बड़े वैरी है। और ये बात केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और आप सही दिशा में चला रहे हैं, सामने से गलत दिशा में दूसरा मोटरसाइकिल वाला आता है और आप दोनों की बिल्कुल टक्कर होने में है लेकिन बच गई, दोनों की मोटरसाइकिल्स रुक गई, आपको बड़ा क्रोध है। और उस क्रोध की अवस्था में जब आप विवेक खो देते हैं तो जो मर्जी बोलने लग जाते हैं। तो आप बोलने लगे, क्या बगीचे में चला रहे हो, क्या अंधे हो, दिखता नहीं है। और इस प्रकार के क्रोध भरे शब्द सुनकर सामने वाला भी क्रोधित हो जाता है और वो भी अनाप शनाप बकने लगता है। जब ऐसी घटना घटती है तब दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर भिड़ जाते, एक दूसरे का शर्ट पकड़ लेते, कॉलर पकड़ लेते, आजू बाजू खड़े लोग आकर के झगड़ा मिटाते और आप आगे बढ़ते। लेकिन आगे बढ़ते समय आप उस एक्सीडेंट की घटना को नहीं, अपने क्रोध को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और क्रोध की अवस्था में जब आप आगे बढ़ते हैं तब स्वाभाविक रूप से आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपके हृदय की गति तेज है और आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। ऐसी अवस्था में मोटरसाइकिल चलाना, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपका वैरी कौन हुआ, वो दूसरा मोटरसाइकिल वाला या आपका स्वयं का क्रोध? ऐसी परिस्थिति जब जब आ जाती है तब तब यदि हम लोग अपने क्रोध को काबू में रखें, अपने इस शत्रु को अपने हाथ में रखें और केवल एक अच्छी सी स्माइल देकर, उसके पास देखकर हंसते हुए सॉरी बोल दे और आगे निकल जाएं, तो आप बड़े ठंडे दिमाग से आगे का प्रवास करेंगे और कोई एक्सीडेंट का चांस नहीं बचेगा। और जैसे ही आप उसको सॉरी कहेंगे वैसे ही सामने वाला भी हंसकर सॉरी कहकर आगे निकल जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं दिन भर में चलती रहती है, ऐसे अनेक संघर्ष की परिस्थिति से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और भगवान कहते हैं इन्हीं कामनाओं पर। फिर कामना का मतलब क्या है यह भी तो समझना आवश्यक है। आपकी पंचेंद्रिया और हर पंचेंद्रिया की एक कामना है। आंखें चाहती है कि मैं देखता रहूं जो नहीं देखना चाहिए, कान चाहते हैं कि मैं सुनता रहूं जो कि नहीं सुनना चाहिए, जिह्वा चाहती है कि मैं खाती रहूं जो कि नहीं खाना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, त्वचा चाहती है कि मैं स्पर्श करूं, और घ्राणेन्द्रिय अपनी नासिका चाहती है कि मैं सूंघूं, मैं गंध लूं। जब जब ये पांचों विषय मन में आते हैं तब इन इंद्रियों के साथ में बाहर निकलकर वो मन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाता है। ये सारी कामनाएं आपके बड़े शत्रु हैं और ये क्रोध ये तो सबसे भयंकर शत्रु है।
और भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं पर और क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, और वह अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए, इसका पूरा विवेचन आने वाले अध्यायों में भगवान करते हैं। आइए इस क्रोध पर विजय का मंत्र प्राप्त करें, आगे बढ़े और जीवन में यशस्विता को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।